दुनिया कोरोना महामारी से उबर ही रही थी कि एक नए वायरस मंकी पॉक्स ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश में अब तक इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ते मामलों के चलते 23 जुलाई को WHO की इमरजेंसी कमेटी ने मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया है। तो आज बात मंकी पॉक्स डिजीज की और क्या समलैंगिक सेक्स से फैलती है या नहीं, सब जानेंगे आज के भास्कर एक्सप्लेनर में। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का कहना है कि मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसी लेकिन हल्के लक्षण वाली बीमारी है जो मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होती है। मंकी पॉक्स एक कॉन्टैक्ट डिजीज है जो 3 तरह से फैलती है। पहला, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से। दूसरा, बॉडी फ्लूड के जरिए यानी संक्रमित व्यक्ति के थूक, छींक या पसीने से, लेकिन खून के जरिए नहीं फैलती। तीसरा, रैशेज के कॉन्टैक्ट में आने से। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड मरीजों में करीब 98% होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कहीं यौन रोग तो नहीं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक यौन संबंध बनाते समय 2 लोग करीब आते हैं, ऐसे में कॉन्टैक्ट डिजीज होने की वजह से भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। भले ही इसके ज्यादातर मामले पुरुषों में मिले हैं, लेकिन फिर भी इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं कह सकते क्योंकि अभी इस पर रिसर्च जारी है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के अब तक 17,092 मामले आ चुके हैं। भारत में भी 4 मामले मिले, 3 केरल और 1 दिल्ली में। ऐसे में देश के लिए WHO का मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO के मुताबिक भारत में मंकी पॉक्स फैलने से रोकने के लिए सरकार को 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, प्रोटोकॉल और कड़ी गाइडलाइन बनाना। दूसरा, गाइडलाइन को कड़ाई से लागू करना। और तीसरा, संक्रमित मरीजों की पहचान कर उनका इलाज करना। डॉक्टर लहारिया के मुताबिक मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतनी खतरनाक डिजीज है ही नहीं जिससे महामारी फैलने का खतरा हो। ये एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब जानवर से इंसान में फैलने वाली डिजीज, जो लगभग 50 सालों से आती जाती रहती है। इसके लिए 3 वैक्सीन भी मौजूद हैं, तो अगर ये डिजीज फैलती भी है तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। रही बात WHO के मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस करने की, तो पिछले 13 सालों में 7 बार WHO ऐसा कर चुका है। तो ये थी मंकी पॉक्स डिजीज से जुड़ी जरूरी बातें। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।